I was young. I could do this work with low difficulty, but now as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. Ramalingam pays rupees 40 per day. This is a little less than what laborers get in my home village, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike other, he does not looking for cheaper laborers from other village. My husband Ravan is also a laborer. We do not own any land. During this time of the year in spring, pesticide, when there is no work on the farm, he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry labor nearby. This is sent by truck to be used in laboratory nearby towns to make houses. Apart from working on the land. Stop, Tisha. Okay. Dekho, to we learn what is rural. Can you tell me the word meaning of rural? What is rural? We learned about the in the previous chapter rural administrative of administration. Okay. Honey, you can tell. Yes, ma'am. What is ma'am, rural? Ma'am, rural means village. Village area. Matlab gaon ki area. Okay. Jahan pe panchayat rehta hai na, panchayat, talabdar, aisa jo post rehta hai. Okay. To dekho rural area ki livelihood कैसा होता है. अर्बन एरिया हमने देखा है, अर्बन एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन भी हम पढ़े, लेकिन उनका लाइफ कैसा होता है ये हम अभी देखेंगे. ओके, देखो तो रूरल लाइवलीहुड ऐसा होता है कि इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक एट द मेनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ. हम देखे है कि बहुत ही डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट आता है लाइफ में, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स आता है लाइफ में, हमें डिफरेंट देखने को मिलता है डाइवर्सिटी लाइफ में. ये हम देखे हैं प्रीवियस चैप्टर में, इन दिस प्रीवियस चैप्टर. सो वी रीड इन दिस चैप्टर हाउ द पीपल ऑफ द रूरल एरिया वर्क डूइंग इन अबव द पिक्चर. एंड पीपी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि हाउ दे वर्क, दे आर बोट, द बोटिंग इन द रिवर है ना, एंड they are selling bhutta, peas in bakhela, or they are cultivating, they are tree planting. देखो ये सारे काम करते हैं गांव में लोग. तो गांव में लोग कैसे रहते हैं, उनका livelihood कैसा रहता है वो हम देखेंगे, है ना. That is about different types of work and related to the farming, है ना. Farming के related है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गांव में इंडस्ट्रीज नहीं होते, गांव में कल्टीवेशन ही होता है, कल्टीवेशन. ओके, सो ये पिक्चर देख के हमें पता चल रहा है गांव की पिक्चर और शहर की पिक्चर, सिटी की पिक्चर अलग होता है. सो हियर वी लर्न द लाइफ ऑफ विलेज, विलेज की लाइवलीहुड, विलेज में उनका दिन कैसे चलता है, द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल. वी नो हियर, वी लर्न हियर. सो हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए विलेज. Here is an also example of a village. जैसे the name of the village is here, Kalpattu village. है कि नहीं? बोलो. Here is the example of the village is Kalpattu village. Okay? So Kalpattu village is that close to the coast, sea coast in Tamil Nadu. So Kalpattu village कहाँ पे located है? Can you tell me? Kalpattu village is located in Tamil Nadu. Bhumi.
Tamil Nadu. Yes, Tamil Nadu, the sea coast area. Sea coast मतलब समुद्र के पास किनारे में, समुद्र के किनारे में एक गांव है तमिलनाडु की स्टेट में, उसका नाम है कल्पट्टू विलेज। तो कल्पट्टू विलेज में क्या होगा, एज इन अनदर विलेज, जैसा दूसरा विलेज में होता है इन द डिफरेंट विलेज, ऐसे ही यहाँ पे भी है। देयर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क सच मेकिंग बास्केट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा वर्क होता है देखो, यूटेंसिल बनाते वो लोग, यूटेंसिल बनाते, यूटेंसिल पॉट्स बनाते। पॉट्स मतलब कोई भी मिट्टी का या कोई भी मेटल का कोई भी सामान बनाते। ब्रिक्स बनाते, ब्रिक्स मतलब ईट होता है ना, घर बनाते ईट। और बुलक कार्ट मतलब बैल की गाड़ी बनाते हैं। बास्केट बनाते, बास्केट मतलब जो बास्केट हम यूज करते हैं घर में, झूरी, वो यूज बनाते हैं। ओके, यूटेंसिल। तो यहाँ पे क्या करते हैं कल्पट्टू विलेज के लोग, कैसे उनका लाइवलीहुड वो चलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे नॉन फार्मिंग वर्क करते हैं। जैसे फार्मिंग तो करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, दे मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल, पॉट्स, ब्रिक, ये सारा कुछ भी बनाते हैं, है ना। There are people who provided service, such as blacksmith. यहाँ पे blacksmith मतलब जो जैसे कि क्या बनाते हैं, लोहे का चीज, है ना, लोहे का चीज, जैसे जैसे हम लोग blacksmith है। ओके, तो blacksmith जैसे पंचायत वगैरह होता है ना, ये कैसे करते हैं काम, इसको blacksmith बोलते हैं। ओके, लोहे का काम करते हैं, जैसे नर्सेस, टीचर। तो गांव में भी तो टीचर चाहिए, नर्स चाहिए ना, गांव तो बिना बार बार के, बिना उसके साइकिल रिपेयर की कुछ नहीं होगा। तो हियर इज आल्सो प्रोवाइडेड सर्विस सच एज ब्लैकस्मिथ, नर्स, टीचर, वाटरमैन, बार बार साइकिल रिपेयर मैकेनिक एंड सो ऑन। तो साइकिल रिपेयर मैकेनिक भी गांव में रहता है ना, गांव में साइकिल ही ज्यादा यूज होता है ना। दो देयर आर आल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। ओके, इन द मेन स्ट्रीट, कहाँ पे रहता है ये दुकान वगैरह, दुकान मेन स्ट्रीट में, जो रास्ता होता है बड़े रास्ता, गांव में छोटे छोटे रास्ते होते हैं, बट उसमें एक बड़ा रास्ता होता है जो कहाँ पे जाते हैं, जो रास्ता लुक्स लाइक ए बाजार, जो दिखता है बाजार की जैसा। यू विल फाइंड ए वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप, वहां पे हमें बहुत सारा दुकान मिलेगा देखने को, छोटे छोटे, जैसा टी शॉप, चाय का दुकान, ग्रोसरी शॉप सामान जो घर का सामान होता है, ग्रोसरी शॉप, बार शॉप, सैलून मिलेगा जहाँ पे हेयर कटिंग करने जाते हैं, तो क्लॉथ शॉप और कपड़े की दुकान, टेलर रहेगा जो कपड़े सिलता है, टू फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप, जहाँ पे वहां पे फर्टिलाइजर मतलब जो बहुत ही जो सार वगैरह होता है। मिताली, व्हाट यू टॉकिंग, तो वहां पे कैसा दुकान रहता है, जैसे कि फर्टिलाइजर मतलब सार जो जमीन में देते हैं ना, जमीन में यूरिया वगैरह देते हैं, ऐसा दुकान। सीड शॉप मतलब जहाँ पे बीज मिलता है, किसका, क्रॉप्स की बीज मिलता है, ऐसा शॉप, फर्टिलाइजर शॉप। ओके, ऐसा दुकान भी होता है गाँव में। तो गांव में क्या क्या होता है, गांव का लोग क्या क्या करते हैं, दे मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल, पॉट, ब्रिक, बुलक, द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, क्योंकि ऑक्यूपेशन के थ्रू द ऑक्यूपेशन वी कंटिन्यू आवर लाइवलीहुड, है ना। रोज की जो रोटी रोजी होता है वो हम कहाँ से मिलता है, हमें पैसा से मिलता है, तो पैसा कहाँ से आता है गाँव के लोग की, गाँव के लोगों की पैसा आता है ये सब बनाने में। कोई कोई विलेज ही देखो ये सारा क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज ब्रेकिंग वर्क, है ना। ये पोत रहा है, क्या पोत रहा है, जो सीड होता है, सीड से उगता है ये पैडी की प्लांट, तो प्लांट को फिर से दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, क्योंकि वो अगर अच्छे से प्लांट नहीं किया है तो एक साथ इतना मोटा नहीं बनेगा, तो इसीलिए ट्रांसप्लांट करते हैं। देखो तो ये वो तो हो गया कल्टीवेशन,
पिक्चर ऑफ कल्टीवेशन ना, गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग फार्मर होता है ना, तो फार्मर छोड़ के भी, और सब लोग तो फार्मर नहीं होते, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाते हैं, जैसे कि बर्तन, स्टील का बर्तन, लोहे का बर्तन और ब्रॉन्ज की बर्तन, ये सारे भी बनाते हैं, ईट्स बनाते हैं, ब्लॉक कट बनाते हैं, है कि नहीं, बोलो। और ये yes, सारे बनाते तो कल्पट्टू विलेज में ऐसा चलता है, ओके, मॉर्निंग स्नैक्स लाइक बडाई, बोंडा, मैसूर पीक, इवनिंग में मैसूरी, मैसूर पाक, ये सब खाना होता है, स्नैक्स, कहाँ के, तमिलनाडु के, साउथ इंडिया की खाना है, मैसूर पीक इन इवनिंग, बडाई, बोंडा, ये सारे खाना होता है, इसका दुकान भी रहता है वहाँ पे, उपमा, डोसा, इडली, है ना, इसका टिफिन वाला शॉप भी रहता है, टी शॉप भी रहता है, उसके साथ साथ भी ये सारा भी मिलता है, नियर टी शॉप, टीना कॉर्नर, लायल्स ऑफ ब्लैकस्मिथ फैमिली, और ये गांव की जो कल्पट्टू विलेज के बारे में हम पढ़े, उसके नजदीक किसकी गांव शॉप दुकान है, ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ की घर है वहाँ पे, वो होम सर्व एज अ वर्कशॉप, क्या कर रहे हैं वो, वर्कशॉप चला रहे हैं किसका, नेक्स्ट देयर होम इज अ साइकिल हायर, उसके बाद में क्या है, साइकिल हायर, साइकिल मतलब दुकान में मिलता है वहाँ पे भाड़े में या खरीदते, और साइकिल बेचते है, भाड़े में देते है और रिपेयर करते है साइकिल को, ऐसा दुकान भी है, टू फैमिलीज लिविंग, तो वहां पर कितना सारा लोग रहते हैं, बड़े रास्ता के पास बहुत सारे दुकान है छोटे छोटे, उसके पास ब्लैकस्मिथ की घर है, और दो फैमिली रहता है, साइकिल वाला फैमिली और एक ब्लैकस्मिथ, तो और क्या क्या करते है वहाँ पे, टू फैमिली लिविंग वॉशिंग क्लॉथ, वहाँ पे और दो फैमिली करते अपना रोजी रोटी लाती है, किससे, वॉशिंग क्लॉथ, धोपे के काज करते है, वो कपड़ा वॉश करके देते है, देयर आर सम पीपल टू नियर बाय टाउन, और टाउन से कोई पीपल आता है और उनसे काम कराते चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, और क्या करते है, नहीं टाउन से नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, और नियर बाय टाउन टू वर्क एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, और कोई कोई क्या करते है, शहर में जाते हैं, जो नियर बाय टाउन होता है वहां पे जाते हैं कंस्ट्रक्शन की काम करने, टू डू द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लॉरी ड्राइवर, द वर्क ऑफ लॉरी ड्राइवर, ओके। तो ये हो गया कल्पट्टू विलेज की ऑक्यूपेशन, पीपल के ऑक्यूपेशन, ओके। द विलेज सराउंडेड बाय हिल, तो विलेज के आसपास क्या है, देखो हिल है कि नहीं, पहाड़ है ना, मेन क्रॉप ग्रोन इरिगेटेड लैंड, और जो पैडी होता है ये उनका, देखो यहाँ पे पैडी कर रहे हैं ना, पैडी का खेती, तो पैडी इनका मेन क्रॉप होता है, एंड वो ग्रोन होता है इरिगेटेड लैंड में, जहाँ पे पानी का सुविधा है, वहां पे ही धान उगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं सारे पानी, है ना, और पास में क्या है, पहाड़ है, कितना मस्त गांव है, देखो अगर जाओ तो घूमने तो मन बढ़ जाएगा। तो विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स, छोटे हिल्स, पैडी इज मेन क्रॉप इन द विलेज, और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर लिविंग वुड थ्रू द एग्रीकल्चर, हमने बोला है कि वहां पे जाते सबसे ज्यादा लोग गांव में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू उनकी जो लाइवलीहुड होता है वो चलाते हैं। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव, वहां पे क्या होता है, कोकोनट की भी, जैसे ही साउथ इंडिया है कोकोनट का यह हमें आएगा ना कि कोकोनट की आएगा ना कि अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के, ये गाना तो सुना ही है, साउथ इंडिया की बात है, तो साउथ इंडिया में कल्पट्टू विलेज है, तो कल्पट्टू विलेज में तो कोकोनट ग्रोव भी होता है, वहाँ पे क्या मिलता है, कॉटन, सुगर केन, आख, जो गन्ना हम खाते हैं वो मिलता है, उसका खेती होता है, और क्या होता है, ये सारे होता है ना, और मैंगो, मैंगो की खेती होता है, मैंगो जैसे फ्रूट, मैंगो इतना सारा फ्रूट्स का भी होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रूट्स भी मिलता है। लेट्स आस्क मीट सम पीपल हु वर्क फील्ड कल्पट्टू, कल्पट्टू विलेज में वो क्या काम करें, वो हम देखा कि दे आर वर्किंग फार्मिंग, वर्किंग क्लियर सबको, ऑर्चर्ड मीन फ्रूट्स, फ्रूट्स बगीचा बोलते हैं जिसको, ओके, क्लियर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन कल्पट्टू विलेज, एवरीवन, यस, बाय बाय, यस मैम, क्लियर, बाय मैम, हो नाइस डे, बाय मैम, हो नाइस डे, बाय मैम, हो नाइस डे।